समस्त भारत की तरह सोलन में भी रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन मंदिरों में इस बार वैसी चहल पहल नहीं थी जैसी अक्सर रामनवमी पर नजर आती है। ज्यादातर मंदिर खाली पड़े थे, चंद भक्तों ने ही मंदिरों का रुख किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह शहर में बढ़ता कोरोना संक्रमण रहा, जिसका सबसे बड़ा असर मंदिरों के पास प्रसाद की दुकानों पर पड़ा। प्रसाद की दुकानों पर बिक्री ना के बराबर नजर आई, जिसकी वजह से दुकानदार बेहद परेशान नजर आए। दुकानदारों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस बार रामनवमी के त्योहार पर लोग कोरोना के डर से मंदिर नहीं आए, जिसकी वजह से मंदिर सुनसान रहे और उनकी दुकानों पर भी कोई नहीं आया। पिछले वर्षों की तुलना में व्यवसाय केवल 25% रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनका व्यवसाय पिछले वर्ष से अच्छा होगा, लेकिन इस बार तो पिछले वर्ष की तुलना में भी बेहद कम बिक्री हुई। उन्होंने कहा कि मंदिरों पर प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर भी रोक लगी हुई थी, जिस कारण लोगों ने सामान बेहद कम खरीदा, जिसकी वजह से उन्हें बेहद निराशा हाथ लगी है। बाकी रहे नवरात्रों की बात, पिछले 3 सालों के अपेक्षा तो 10% भी काम नहीं था। जो पिछले लॉकडाउन निकला है वो तो बिल्कुल 0 था, उससे कुछ कह लो कि 5-7% था, अदरवाइज वैसे ज़्यादा नहीं। तो क्या उम्मीद थी आपकी? उम्मीद हमारे को ये थी जो पिछले 3 साल निकले थे वैसा ही काम होगा, लेकिन यह सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। और जो ये कोरोना है उसने तो सबको ही लूट लिया, और ये तो माता रानी जाने कि कब तक लूटेगा अभी आगे, पर बाकी कोई चांस नहीं। उम्मीद तो यही थी कि 2020 अगर खराब निकला है तो 21 बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन 21 तो उससे भी ज़्यादा बेकार। कोई मंदिर में रश नहीं, कोई कुछ नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं 4 जा रहे हैं, बस यही कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं कि भी हाँ लोगों में बड़ा उत्साह था, उत्साह बहुत था, लेकिन यह है कि उत्साह सब पे पानी फिर गया। कोई मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ सका, ना कोई नारियल चढ़ सकता है, ना पंडित जी बैठते हैं, कुछ भी नहीं है। बिक्री में घटोतरी आने का कारण क्या मानते हैं? बस कोरोना के डर की वजह से कोई आ नहीं पा रहा, सब अपने घरों में है, जो आता है वो भी दूर से ही देख के वापस चला जाता है। सर इस बार कोविड का तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, लोगों की मंदिर में आवाजाही बहुत कम थी, बाकी प्रसाद वगैरह चढ़ाना भी मना था, इस वजह से मतलब काम तो काफ़ी ज़्यादा फर्क रहा, मतलब काम को कम से कम 4 गुना कम रहा पहले से। मुख्य कारण यही कोविड की बीमारी जो है, काफ़ी लोगों ने गाँव से लोगों ने आवाजाही बहुत कम रही गाँव के लोगों की।